मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 11वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के तीसरे दिन के दूसरे सत्र में 6th महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर जर्नलिज्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा, थबंग लिनोस खोलुमो, चार्ज द अफेयर्स द किंगडम ऑफ लेसोथो, यानकिस मैक्राइड्स, साइप्रस के डिप्टी हाई कमिश्नर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में थबंग लिनोस खोलुमो, चार्ज द अफेयर्स द किंगडम ऑफ लेसोथो, विदिशा मिस डेफ वर्ल्ड मौजूद रहे, जिसमें बसोथो कल्चर फ्रॉम लेसोथो फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा थबंग लिनोस खोलुमो को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। थैंक यू वेरी मच। लेट मी इंडिकेट दैट आई एम वंस अगेन वेरी हैप्पी टू बी अमंगस्ट यू इन दिस फेस्टिवल। लास्ट टाइम आई वाज हियर एंड आई टोल्ड यू अबाउट लेसोथो, and continuously I'm happy that Lesotho is being promoted. As I said earlier, Lesotho is a very small country inside South Africa. We have a population of only 2.4 million. We are very small compared to India, but we are very proud and very happy that India continues to promote us. And today we are watching a film made by a Lesotho citizen who actually promotes the culture of Basotho. Back when there was a team from the office of Prime Minister of Kingdom of Lesotho was here, and that was a time when we created Indo-Lesotho Film and Culture Forum. And after that, no looking back, the embassy of Lesotho in New Delhi gave a formal shape by signing MOU with us. And since then, we've been promoting our relationship between India and Lesotho. This is now maybe third, fourth or fifth time when Lesotho is participating in all our events, whether it's a film festival or a journalism festival or a fashion festival or a literature festival. Lesotho has been participating regularly with us. This time it's we have received a film from a documentary film from Lesotho, this is one of the 9th films which we have selected for the award of distinction, and I'm very happy to announce the award of distinction for this documentary. And I hope that we will continuously promoting Lesotho in India. कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि गण को भगवत गीता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पत्रकारिता के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाता है। पत्रकार दिन रात मेहनत करते हैं आप तक हर सच्ची खबर पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो महात्मा गांधी की तरह अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। कार्यक्रम में 6th महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड 2023 से पद्मश्री आलोक मेहता, राहुल देव, कुलविंदर सिंह कांग, अजय शुक्ला को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सरफराज सैफी, अनुराग मुस्कान, देव श्री माली, पद्मकांत त्रिवेदी, मिशेल डेविड, अजय वर्मा, के पुट्टास्वामी, गुरराज नागथन, सोमैया मलयूर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महात्मा गांधी अवार्डी और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्डी ने अपना अनुभव साझा किया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथि गण संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथि गण, संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आज ये अवार्ड लेते हुए जो मुझे खुशी हुई है वो बयान मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 34 साल के इस तपस्या के बाद मुझे एक अवार्ड मिलता है। शायद इस अवार्ड का मैं हकदार नहीं हूँ, मैं यही कहूँगा, क्योंकि इस अवार्ड का रियल हकदार कोई है तो वो है जो मेरी खबरों को देखते हैं, जो मेरी खबरों को पढ़ते हैं,
और जो मेरी खबरों को सुनते हैं, अगर वो नहीं होते तो शायद मेरी पहचान नहीं बन पाती। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपनी पहचान बनाने के लिए एक कनेक्टिविटी, एक इंटरैक्शन, एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसको बिल्ड कीजिए और शायद मुझसे पहले आपको अवार्ड मिल जाएगा। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ ये अवार्ड लेकर। वेल, ग्रेट ऑनर ऑफ मी टू बी हियर सेकंड टाइम, स्पेशली फ्रॉम द वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑफ होल हियर फ्रॉम द हेड्स अप टू एवरीवन। We like to promote, we support arts and culture in general. So we are here today to congratulate people awarded and to wish all the others to get soon an award. देखिए ऐसा है, मैं जर्नलिज्म से बहुत वाकिफ हूँ, इसलिए कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में स्पोक्स पर्सन रहा था और भारत की सारी मीडिया को हैंडल करता था 4 साल। मैं सारी मीडिया को जानता हूं और उनको मैं ब्रीफ करता रहा हूं, और मैं रिपब्लिक टेक कमेंटेटर हूं 20 साल, और मैं हर एक टीवी के ऊपर चैनल पे रोज़ कोई ना कोई बात करता हूं। मुझे जर्नलिज्म का से मतलब मेरा ये है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि एक जर्नलिज्म ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो देश की माइंड की को स्थापित करता है। जिस वैल्यू सिस्टम पे चल रहा है जर्नलिज्म, उसको एक ठोस तरीके से आगे बढ़ाता है। अगर जर्नलिज्म ठीक से हैंडल की जाए तो देश की सोच, यूथ की सोच एक बहुत दूर दिशा तक जा सकती है। और अगर जर्नलिज्म के अंदर थोड़ी कमियां महसूस की जाएं या कमियां लाई जाएं पॉलिटिकली या किसी तरीके से, तो हमारे देश की सोच की हानि बहुत होती है। अच्छा लगा, और हम जिस वक्त के जर्नलिस्ट हैं उस वक्त दुर्भाग्य से ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं हुआ करते थे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग जो है अव्यवस्था के बनाए हुए जर्नलिस्ट हैं। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग व्यवस्था के बनाए हुए जर्नलिस्ट बनेंगे, तो अच्छा लग रहा है। और मिस कर रहा हूं कि हमारे टाइम में भी कुछ ऐसा मारवा स्टूडियो होता जहां से हम जर्नलिज्म के गुर सीख पाते जैसे आप लोग सीख रहे हैं, तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है ये भी। देखिए, सबसे पहले तो मारवा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इतना शानदार हर साल ये फेस्टिवल करते हैं, और जिस तरीके से मीडिया की पर्सनैलिटी को बुलाकर यहाँ पर अवार्ड देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैं कई बार कॉलेज में जाते हैं हम लोग एज ए गेस्ट फैकल्टी, तो लगता है कि बच्चों के जहन में ही आता है कि आप इतने सालों से मीडिया में हैं, इतने साल काम कर रहे हैं, इतने प्राइम टाइम शोज़ करते हैं, तो क्या चैलेंज आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जर्नलिज्म में आपको रोज़ गड्ढा खोदना है, रोज़ पानी पीना है, आपको हर समय हर वक्त तैयार रहना है। हम तो चूँकि प्राइम टाइम एंकरिंग करते हैं, तो हमारे लिए टीआरपी का सबसे बड़ा मसला होता है। जब आप टीआरपी देंगे आप चैनल में रहेंगे, आप टीआरपी नहीं देंगे तो आपके पास एंकर के बदलने का बहुत सारे ऑप्शन आज की तारीख में हो गए हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यूथ है जो जर्नलिज्म में आना चाह रहा है, वो ग्लैमर्स के चक्कर में ना रहे, उसको खुद को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अपना नाम बनाने के लिए, चूँकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। पिछले 20 साल से हम लोग यही कर रहे हैं, जितने भी हमारे साथी प्राइम टाइम एंकर्स हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। कई बार हम लोग बीमार भी पड़ते हैं लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडियो जाते हैं, ग्राउंड में रहते हैं। परिवार को सबसे बड़े चैलेंज ये होता है कि वक्त नहीं देते, लेकिन उसके लिए हमेशा मेंटली प्रिपेयर स्टूडेंट्स को रहना पड़ेगा कि आपको अगर इस फील्ड में आना है तो ग्लैमर्स की जगह आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की।